यह एक चीज करो, लोग क्या कहेंगे, यह बीमारी से आप बच जाओगे। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। देखो, हमको सबको बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। मैं उसको बोलता हूं LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे। दूसरी भाषा में हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये बीमारी से हम ग्रसित है, ये बीमारी है, सब लोगों को बीमारी है, और लोग क्या कहेंगे इसलिए हम हमारा पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन करते भी नहीं। कुछ भी लोग कहते हैं, मैं तो हरदम बोलता हूँ कि भाई, एक तो गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? आपको यदि मालूम है कि आप कौन हैं, आप कैसे इंसान हैं, तो फिर आपका अच्छा होना ना होना लोगों के ऊपर थोड़ी डिपेंड है कि लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर मैं हूं। लोग कुछ भी कहेंगे, लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग मुझे कुछ भी कहेंगे, मैं थोड़ी वैसा हूं। देखिए कि समझो, अभी मैंने एक ग्रीन शर्ट पहना, ग्रीन रंग का मतलब हरे रंग का शर्ट पहना हुआ है, और मैं जा रहा हूं। अभी मुझे एखादा व्यक्ति मिलता है और वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब, आपने व्हाइट का शर्ट क्यों पहना, और व्हाइट रंग का शर्ट आपने पहना है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वो यदि मुझे बोलता है कि व्हाइट रंग का शर्ट मैंने पहना हुआ है, अभी एक्चुअली मैंने ग्रीन रंग पहना हुआ है समझो, तो मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा अरे वो ऐसा कैसा कह रहा है। मैं उसको बोलूंगा नहीं भैया, मेरा ग्रीन है। नहीं बोले नहीं नहीं आप तो व्हाइट ही पहना हुआ है। अभी उसने कुछ भी बोला तभी मुझे बुरा लगेगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ग्रीन रंग का शर्ट पहना हुआ है। मुझे उसके साथ में उसने वैलिडिटी करने की या उसने उसको मतलब एंडोर्स करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आपका शर्ट ग्रीन। मुझे मालूम है कि मैंने ग्रीन रंग का शर्ट पहना हुआ है। तो उसने कुछ भी बोला सामने वाले ने, तभी मुझे यदि मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कौन सा शर्ट पहना हुआ है, तो मुझे एंडोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है कि उसने बोला तुम्हें बराबर है ग्रीन है या उसने बोला तभी व्हाइट है। समझो, मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए है और रास्ते पे जा रहा हूं और किसने बोला क्यों डॉक्टर साहब आपने एक पैर में काला और एक पैर में सफेद ऐसे अलग अलग रंग के शू क्यों पहने हुए? तो मैं बोलूंगा यार नहीं यार, मैं तो बराबर पहने हुए। नहीं, उसने बोला नहीं नहीं आपने तो एक काला और एक सफेद पहना है। तो मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगेगा कि वो आदमी पागल है, पागल जैसी बात कर रहा है। मेरे को क्लियर है कि मैंने दोनों भी व्हाइट रंग के शू पहने हुए, या मुझे क्लियर है कि मेरा शर्ट हरे रंग का है। इसमें से मैं क्या आपको बता रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, यदि आपको यह क्लियर है कि मैं कौन हूं या मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास में क्या है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है किसने कुछ भी कहा। तभी लोग मुझे बोल सकते कि तू चमचा है तुम्हारे बॉस का, लोग बोल सकते हैं कि तू बहुत मोटा है, लोग बोल सकते हैं कि तू पतला है, लोग बोल सकते हैं कि तू आलसी है, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, काफी सारी बहुरानियां कंप्लेन कर देती है और मेरे पास में लोग आते कि सासू माँ जो है वो मेरी बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ ना कुछ बोलती है तेरे को अकल नहीं है, तू कितनी स्लो काम करे, बहू को बोलते रहती है तू कितनी स्लो काम कर रही है, पता नहीं तेरे को तेरे माँ बाप ने सिखाया है, ऐसा कुछ ना कुछ वो ताने मारते रहती है और मुझे बहुत बेकार लगता है। ऐसे करके बहू आती है। अभी देखिए, सासू माँ कुछ भी बोलती है, आप वैसे है क्या, आप आलसी है क्या, आपको खाना पकाना नहीं आता क्या, आप स्मार्ट नहीं क्या, आपको पता है क्या आप कौन है? तो सबसे पहले बात जरूरी है कि आप अपने आप को स्वीकारो, अपने आप के ऊपर प्रेम करो और अपने आप को जानो पहचानो कि मैं कौन हूं। मुझे किसने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं वैसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं अच्छा कर रहा हूं क्या तो मैं करूंगा, मुझे नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, खलास। लोग क्या कहेंगे ऐसा बोले तो लोग कुछ भी कहते हैं। आगे गए तो कुछ तो भी कहेंगे, आप पीछे गए तो लोग कुछ तो भी कहेंगे, आप एक जगह खड़े हैं तो लोग कुछ तो भी कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे। और फिर लोगों का मुंह हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा बोलते कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते, तो लोग कुछ भी कहेंगे। आपने अपने आप को पहचानना है और आपने अपने आप को पहचान के मैं कौन हूं इसको एक्नॉलेज करो, मैंने कितनी सफलता हासिल की उसको एक्नॉलेज करो। आप जैसा व्यक्ति है दुनिया में सिर्फ एक है, 730 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया में और आपके जैसा दूसरा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि 730 करोड़ में आपके जैसे 6 व्यक्ति होंगे, ऐसा बोलते मैंने देखा नहीं अभी, कि आइडेंटिकल है, पहचानने में बहुत कठिन हो जाएगा, डुप्लीकेट है, ऐसा 6 लोग हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा आप जैसे आप एक ही है, अकेले है। अपने आप के ऊपर प्रेम करो, प्यार करो, आप यूनिक इंसान है, अद्वितीय है, असामान्य है, ऐसा आपको आप अपने आप को ठान लो मन में, वैसा अपने आप के ऊपर विश्वास करो। लोग कुछ भी कहेंगे उसकी चिंता मत करो तो आप खुश हो जाओगे। तो एक बात पक्की है, लोग कहेंगे उनका काम है कहना, उनको कहने दो। आप अपने आप के ऊपर प्यार करो,
अपने आप का स्वीकार करो, ये आप करते हैं तो जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं होंगे। और एलके के सिंड्रोम जो है, लोग क्या कहेंगे, या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे आप मुक्ति पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो ताकि ये रोग से लोग मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।